सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस और बेहतर प्रशासन देने का कार्य किया है। कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी का कार्य किया, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सिंचाई, पेयजल, मनरेगा सहित सभी विभागों में इन दो सालों में नए आयाम स्थापित हुए हैं। साथ ही भाया ने कहा कि गौपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादकों को संबल देने के लिए 2 प्रति लीटर संबल राशि सरकार की ओर से की गई और साथ ही हर ग्राम पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलने की बजट में घोषणा हुई। उन्होंने कहा कि खनन विभाग में खनिज पदार्थों की खोज के लिए सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया है और साथ ही बजरे के विकल्प के रूप में एमसेन नीति को मंजूरी दी गई। भाया ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में ऐसी खनिज नीति लाई जाएगी जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया और स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस की सरकार का गठन किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने राज्य की बागडोर संभाली और मुख्यमंत्री जी ने जनता की भावनाओं के अनुरूप पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह सुशासन देने के लिए पूरा प्रयास किया। कैबिनेट की पहली बैठक में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादा किया था किसानों के ऋण माफी का, उसका निर्णय लिया और लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ किया। साथ ही किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की और आमजन से जुड़ी हुई पेयजल, सड़क, शिक्षा, विद्युत, सिंचाई, चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। महिला सशक्तिकरण के कई निर्णय लिए, युवाओं को रोजगार के लिए नए आयाम स्थापित किए, कई सरकारी विभागों में पद सृजित कर उनकी युवाओं को उस पर नौकरी दी गई और गोपालन विभाग के माध्यम से हमारे प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को संबल देने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर संबल राशि गोपालन विभाग की ओर से जारी की गई। साथ ही हमारे जो भावना है कि गौ माता में हमारे सभी देव देवता निवास करते हैं, जब पहली बार राजस्थान में अनुदान का गौशालाओं के लिए जो शुरू किया वो भी माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पहले वाले अपने कार्यकाल में किया और जैसे ही अभी सरकार का गठन हुआ और राजस्थान के तमाम गौशालाओं के प्रतिनिधियों के लिए एक गौ रक्षा सम्मेलन राजस्थान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जयपुर में आयोजित किया, उसमें जो भावना व्यक्त की गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने कि गौशालाओं में संचालन के लिए आर्थिक काफी संकट का सामना करना पड़ता है, अनुदान में और वृद्धि की जाए, मुख्यमंत्री जी ने उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए छोटे पशु का अनुदान 16 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किया, बड़े पशु का 32 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया और नंदी गौशालाओं के लिए हर पंचायत समिति पर एक नंदी गौशाला के लिए बजट में घोषणा की, उसको भी गोपालन विभाग के माध्यम से जल्दी मूर्त रूप देने जा रहे हैं ताकि राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला हो। साथ ही देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि राजस्थान में बड़ी रिफाइनरी का निर्माण हो, उसके लिए उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी बहुत मेहनत की, पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज में उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में बांधने का काम किया, दोबारा जब सरकार आई तो उस कार्य को गति दी गई और मेरे विभाग के अधिकारी उसको जो सपना है कि इसी कांग्रेस राज में उसका काम पूरा हो, उसके लिए पूरी बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं
मैं उनका भी, विभाग के अधिकारियों का भी इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ। साथ ही माइनिंग विभाग में नए रोजगार और युवाओं को उसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए और जो अथाह खनिज संपदा प्रदेश में जो दबी हुई है उसकी खोज के लिए नए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। पिछली भाजपा सरकार ने जो बजरी अवैध खनन को प्रोत्साहित किया और एक फोड़ेक के रूप में कैंसर का रूप धारण भी पिछली सरकार के समय हुआ, उसको रोकने के लिए अभी एम्स एंड नीति लागू की गई माइनिंग विभाग के द्वारा, ताकि बजरी का एक सब्स्टिट्यूट हो और अवैध बजरी की अवैध माइनिंग पर सख्ती से कड़े कदम विभाग के द्वारा उठाए गए। साथ ही निवेश को प्रोत्साहन देने वाली और राजस्व और रोजगार को बढ़ाने वाली हमारे युवाओं की उसमें भागीदारी बढ़े, इसके लिए जल्दी ही खनिज नीति लाई जा रही है ताकि युवाओं को रोजगार के एक नए आयाम स्थापित हों। मैं पुनः प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस को जिस भावना से जनता ने बहुमत दिया, सरकार का गठन किया, हम सभी मंत्रिपरिषद के साथीगण, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के उसी भावनाओं के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक किसानों के हित के कार्य हों, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। हर क्षेत्र में इस सरकार ने 2 साल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आने वाले समय में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।